चाईबासा में 4 महीने से लंबित मानदेय भुगतान और साप्ताहिक अवकाश की मांग को लेकर आंदोलन कर रही जिले की 450 से ज्यादा कार्यरत महिलाएं और जीएनएम ने अब अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि हड़ताल के कारण सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में कोविड-19 टीकाकरण कार्य प्रभावित हो रहा है। वहीं एनआरएचएम अनुबंध कर्मी संघ की जिला अध्यक्ष ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं करेगी तब तक उनमें से कोई भी काम पर वापस नहीं लौटेंगे। हमारे मांगों पर कोई विचार हुआ है? अभी हम लोग इसी तरह से अनिश्चितकाल बैठे रहेंगे जब तक हमारी कोई मांगे नहीं सुनता है और हम लोग इसी तरह से काम टप करके बैठेंगे। अगर हम लोग का जैसे हम लोग को डेली धमकाया जा रहा है कि आप लोग का वेतन काट दिया जाएगा, तो ऐसे ही 4 महीने से हम लोग को वेतन नहीं मिला। एक दिन दो दिन का काटने से कुछ नहीं होगा। अगर काटना है तो काटे वेतन, लेकिन हम लोग अपना मांगों पर अडिग रहेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।